क्रोकोडाइल्स काफी निर्दयी जीव होते हैं और ये एक बेहद ही अलग तरीके से अपने शिकार को मारना पसंद करते हैं। ये अपने प्रे को अपने जबड़ों में दबोचकर खुद को रोल करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके प्रे की हड्डियां टूट जाती हैं और वो भागने में असमर्थ हो जाती हैं। बात जब शिकार की आती है तो क्रोकोडाइल्स लगभग जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनके लिए शिकार करना महंगा पड़ जाता है और वे खुद ही अपने प्रे का शिकार बन जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रोकोडाइल्स हंटिंग मोमेंट्स को दिखाएंगे जिसमें क्रोकोडाइल्स के प्रे ने ही उनको धूल चटा दी और कुछ ने तो क्रोकोडाइल्स की जान तक ले ली। नंबर वन, एलिफेंट्स। जब हाथियों का झुंड नदी के पास रहता है तो उन पर क्रोकोडाइल अटैक होना एक कॉमन सी बात है। वैसे तो हाथी काफी शांत किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी कारण से गुस्सा आ जाता है तो ये सामने वाले को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते। यहाँ कुछ हाथियों का झुंड नदी के किनारे आराम कर रहा होता है, तभी अचानक से नदी में घात लगाए बैठा क्रोकोडाइल इनमें से एक बेबी एलिफेंट पर अटैक कर देता है। लेकिन बेचारा क्रोकोडाइल अपने शिकार में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि झुंड के व्यस्क हाथी उस पर अटैक कर देते हैं और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। ये सीन देखकर लग रहा है कि एलिफेंट्स क्रोकोडाइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तभी तो यहाँ बड़ी बेरहमी से ये एलिफेंट क्रोकोडाइल को कुचलने में लगा हुआ है। लायंस। मगरमच्छ के पास लंबे, मजबूत और ताकतवर जबड़े होने के बावजूद भी जब इनकी लड़ाई जमीन पर किसी शेर से होती है तो ये हार जाते हैं, लेकिन जब पानी में लड़ाई करने की बारी आती है तब शेर मगरमच्छों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स का बाइट फोर्स लायंस की तुलना में ज्यादा होता है, इसीलिए इनके बीच होने वाली लड़ाई में अक्सर किसी एक जानवर की मौत होना निश्चित होता है। यहाँ एक शेर और मगरमच्छ के बीच शुरू हुई लड़ाई पलक झपकते ही शेरों के झुंड और एक मगरमच्छ के बीच की लड़ाई में बदल जाती है। वैसे तो ये लड़ाई मगरमच्छ के लिए काफी अनफेयर है, लेकिन जानवरों की दुनिया में सब जायज है। यहाँ पर शेरों का पूरा झुंड मिलकर एक मगरमच्छ को खाने में लगा हुआ होता है, तभी वहाँ अचानक से एक मगरमच्छ गलती से तैरकर आ जाता है। इसके बाद जब मगरमच्छ शेरों के पूरे झुंड को गुस्से में देखता है तो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है और दूसरी तरफ तैर कर चला जाता है। यहाँ भी शेरों का पूरा परिवार मिलकर एक अकेले मगरमच्छ का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मगरमच्छ भी पूरी फुर्ती के साथ इनका मुकाबला करने में लगा होता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस मगरमच्छ के साथ क्या हुआ होगा, कमेंट्स करके बताएं। नंबर थ्री, बबून्स। अगर बबून्स को किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है पानी में फंसने से। यहाँ पानी पीने के लिए एक बबून को मगरमच्छ अपने जबड़ों में दबोच लेता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बबून्स का पूरा झुंड ही मगरमच्छ पर अटैक कर देता है। इस जगह का पानी काफी छिछला होता है, इसलिए मगरमच्छ बबून को पानी में खींचकर नहीं ले जा पाता और उसे बबून्स के झुंड से खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ता है। बबून्स वास्तव में अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मीट भी खा लेते हैं। इस क्लिप में मगरमच्छ बबून का आसान शिकार समझकर उस पर अटैक कर देता है, पर उसे क्या मालूम था कि उसने गलत जानवर से पंगा ले लिया है। झुंड का दूसरा बबून अपने साथी को बचाने के लिए वहां आ जाता है और मगरमच्छ को काट काट कर बुरी तरह से घायल कर देता है। बफेलो। एक मगरमच्छ का जबड़ा किसी जानवर को काटने पर 2260 किलोग्राम का वाइट फोर्स डाल सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक बार में अपने जबड़े में किसी बफेलो को पकड़ ले तो उसका भागना नामुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बफेलो और क्रोकोडाइल की लड़ाई में हमेशा बफेलो की ही हार हो। जैसे ही इस क्लिप में मगरमच्छ ने एक बफेलो के चिन को अपने जबड़ों में पकड़ रखा है, ये बफेलो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन जब इसका साथी अपने बड़े बड़े सींगों के साथ मगरमच्छ की तरफ बढ़ता है तो मगरमच्छ खुद ही डर के मारे पीछे भाग जाता है। बुफेलोज 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी जब इस बुफेलो को पानी में मगरमच्छ दिखाई देता है तो वो तेजी से भागने के बजाय बिल्कुल आराम से पीछे हटता है, जैसे इसे मगरमच्छ का कोई डर ही ना हो। बुफेलो का मगरमच्छ से ना डरने की बजाय उनके खतरनाक सींग है, क्योंकि ये चाहें तो अपने सींगों से मगरमच्छ के पेट को एक झटके में फाड़ सकते हैं। इस क्लिप में एक बफेलो मगरमच्छ के सामने बिल्कुल आराम से पानी पी रहा होता है तो दूसरा मगरमच्छ को अपने सींगों से उठाकर हवा की सैर करा रहा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।